हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 4 जनवरी 2020। डेली करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक हमारे पढ़े की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट, वन लाइनर न्यूज़, करंट न्यूज़ एंड स्टैटिक जी के स्पेशल नॉलेज एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। आज का मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। सेशन थोड़ा फास्ट इसलिए रहेगा क्योंकि आज एग्ज़ाम है UP SSC का, तो सभी लोग का, जिन जिन बच्चों का, स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑफ लक, और मेरा भी एग्ज़ाम है तो हम इसलिए सेशन थोड़ा फास्ट रखेंगे। तो देख लीजिएगा आज का मोटिवेशन कोट क्या है। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। अगर आपको कुछ ही कुछ करने से पहले उसका मन में विश्वास है कि ये और उम्मीद है कि वह अच्छा है, तो वो खुशियाँ जो हैं वो विशाल फलों से बेहतर, मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा उससे बहुत ही बेहतर और शक्तिशाली है। आपका विश्वास आपको बहुत ही शक्तिशाली बना देता है। आप देखते हैं वन लाइनर न्यूज़। अर्थव्यवस्था से पहला क्वेश्चन है, दृष्टिहीन व्यक्ति द्वारा मुद्रा बैंक नोटों की पहचान करने के लिए RBI का नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मनी। तो मनी का फुल फॉर्म हुआ मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो इसका जो ये टर्म लिखा होगा तो इसके स्टैंड फॉर पूछ लेंगे। मनी स्टैंड फॉर मतलब मनी का पूर्ण रूप क्या है, तो मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश चालू वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाई के दौरान कितने प्रतिशत से बढ़कर 26 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ है? तो 15%। वित्त वर्ष की पहली छमाई के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का बड़ा स्रोत कौन सा है? तो वो है सिंगापुर। 8 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है भारत में। अब बात करेंगे राष्ट्रीय न्यूज के। तुमकुर कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्रालय के कृषि कर्मण पुरस्कार कितने लोगों को वितरित किए हैं? तो 21 लोगों को वितरित किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहाँ श्री श्री शिव कुमार स्वामी जी के स्मारक संग्रहालय का शिलान्यास किया है? तो वो तुमकुरू कर्नाटका में। भारत की स्वर्ण जयंती फेलोशिप कितने वैज्ञानिकों को प्रदान की गई है? तो वो 14 वैज्ञानिकों को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने कितने DRDO युवा वैज्ञानिकों प्रयोगशालाओं को 2 जनवरी को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वो 5 प्रयोगशालाएं हैं जो राष्ट्र को समर्पित कर दी गई हैं। लुप्त हो रहे हरगिल्ला पक्षियों के संवर्धन के लिए कार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा है जिसने चिड़ियाघर बनाया है? वो है असम राज्य, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान एवं अरण्यक। ओके, असम की कैपिटल होती है दिसपुर। सर्वानंद सोनोवाल यहाँ के CM है। शिकायतों और पूछताछ के लिए भारतीय रेलवे का नया मोबाइल मदद ऐप जो बना, नई मोबाइल मदद संख्या क्या रखी गई है? जो शिकायतें और पूछताछ के लिए होती है, जो इंक्वायरी के लिए होती है, उसकी संख्या क्या रखी गई है? 139 रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को पंजीकरण के लिए किए गए आवेदनों की स्थिति जानने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन प्रणाली कौन सी है? तो पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में स्थापित राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय के नए परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वो है नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तमिलनाडु में किस जिले में दूसरा प्रक्षेपण पोर्ट स्थापित करने वाला है? तो वो है थूथुकुडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति विशेष से राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के वरिष्ठ नेता जिनका 2 जनवरी को निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो वो है DP त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल मतलब कि सेवी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, तो वो है जी बबीता रायडू। अब खेल से न्यूज़ देख लेते हैं। भारतीय आइस हॉकी संघ के 5वें नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन स्थल क्या है? तो वो है लेह लद्दाख। नेक्स्ट जो न्यूज़ रही हैं उनसे संबंधित सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। भारतीय आइस हॉकी संघ का इस दिन अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ का सदस्य बना था, तो वो 27 अप्रैल 1989 को भारत हॉकी संघ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का सदस्य बना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1992 में सेबी की स्थापना हुई, मुख्यालय है मुंबई में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब कि इसरो की स्थापना हुई 1969 में 15 अगस्त को और मुख्यालय बेंगलुरु में। के सिवान इसके अध्यक्ष हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में 25 जनवरी को की गई थी, इलेक्शन कमीशन की। अब बात करेंगे करंट न्यूज़ और स्टैटिक जीके की। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको हमारे फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे आपका और भी बेनिफिट हो। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ रही हैं वो देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टिहीनों के लिए मनी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टिहीनों के लिए मनी बैंक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 1 जनवरी 2020 को एक मोबाइल ऐप मनी मोबाइल एड नोट आइडेंटिफायर लॉन्च किया, जिसकी मदद से क्या होगा, जो दृष्टिबाधित लोग होंगे उन्हें भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। चुनाव आयोग ने एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है, जो राजनीतिक दलों को वास्तविक समय के आधार पर पोल चैनल के साथ पंजीकरण के लिए अपने आवेदन ट्रैक करने की अनुमति देती है। राजनीतिक दलों पंजीकरण प्रबंधन प्रणाली PPRTMS की मुख्य विशेषताएं यह हैं कि जो आवेदक 1 जनवरी 2020 से पार्टी पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं, अपने आवेदन की प्रगति का पता लगा सकेगा। आवेदन SMS और ईमेल के द्वारा अद्यतन स्थिति से अवगत हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने DRDO प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है। PM नरेंद्र मोदी 2 जनवरी और 3 जनवरी को कर्नाटक में रहेंगे। वे 5 DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे। तो इसका मतलब इसका उद्घाटन हो चुका है। इस विकास से रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा और इस कार्यक्रम का आयोजन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DRDO बेंगलुरु में किया जाएगा। DRDO की जो मुख्य है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा एशियाई शेरों की जनगणना की गई है। गुजरात जो शेर का आखिरी वनवास है, 2020 के शेर जनगणना को अंजाम देने के लिए लगभग 8,000 से 10,000 कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। पिछली जनगणना सर्वेक्षण में किए गए 15,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के खिलाफ अब इसे 7 जिलों में फैले 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गिना जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दिया। केरल एक प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम मतलब कि CAA को वापस लेने की मांग करता है। केरल विधानसभा ने केरल विधानसभा ने 31 दिसंबर 2019 को CAA के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, 2019 से 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल की रिपोर्ट। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 दिसंबर 2019 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की सामग्री पर एक संक्षिप्त बयान दिया। अगले 5 वर्षों में सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना परियोजनाओं के सहित बुनियादी ढांचे पर 16,00,000 रुपए का निवेश किया। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण न्यूज़। तो अब देख लेते हैं स्पेशल नॉलेज में क्या दिया हुआ है। तो स्पेशल नॉलेज में दिया है उत्तर प्रदेश राज्य। ये उत्तर प्रदेश राज्य लाने का मतलब ये, जो भी सेशन बॉच कर रहे हैं, तो आज जैसे उन्होंने सेशन बॉच किया पूरा और उनका आज का एग्ज़ाम हुआ, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, तो उत्तर प्रदेश से कोई भी क्वेश्चन उनका फॉर्म हो जाए। ठीक है, स्थापना हुई 24 जनवरी 1950 को। राजधानी और सबसे बड़ा शहर लखनऊ। लखनऊ शहर जो है वो गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। तो जिले इसमें 75 हैं। राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि भाजपा के हैं। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री। दिनेश शर्मा भी उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्य सचिव जो हैं वो राजेंद्र कुमार तिवारी हैं और पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है। लगभग 20 करोड़ से अधिक निवासियों के साथ यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड है।
1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस। ब्रिटिश शासन काल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। इस तरह सामान्य बोलचाल में यूपी कहे जाने वाले प्रांत का आधिकारिक नाम बदलने के बाद भी संक्षिप्त नाम अपरिवर्तित ही रहा। राज्य की प्रशासनिक व विधायिका राजधानी, मतलब कि जो प्रशासनिक और विधायिका जो राजधानी है वह तो लखनऊ है, और न्यायिक राजधानी जो है वो प्रयागराज है, और जो हमारा न्यायालय वो भी प्रयागराज में, और जो खंडपीठ है न्यायालय की वो है लखनऊ में। प्रशासनिक कारणों से इसे 18 मंडलों और 75 जिलों में विभाजित किया गया है। 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य उत्तराखंड राज्य के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र से बनाया गया था। राज्य की दो प्रमुख नदियां हैं, गंगा और यमुना, जो प्रयागराज में मिलती हैं, फिर आगे गंगा के रूप में बहती हैं। हिंदी राज्य में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी जो है वो राज्य में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा और राज्य की आधिकारिक भाषा भी हिंदी है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य है। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, और पूर्व में बिहार तथा झारखंड स्थित हैं। इनके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में एकमात्र देश जो है वो नेपाल अवस्थित है। अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो क्वेश्चन फॉर्म में तो नहीं बनाया है, फिर भी आप देख लीजिए। भागीरथी और अलकनंदा के संगम किस पर स्थित है? तो वो देवप्रयाग पर स्थित है। कौन सा पर्वत जो है वो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली पर्वत जो है वो हिमालयी श्रृंखला का पर्वत नहीं है। अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम बस जो हरियर तथा एक और थे हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी संगम वंश ने, और एक हरियर नाम के राजा थे उन्होंने, वह यहाँ के राजा थे। बंगाल का ये कंफर्म करके हम बताएंगे, कुछ माइंड से स्लिप हो रहा है। विजयनगर साम्राज्य की हम्पी और हरियर तथा हुक्का करके कुछ नाम था, हुप्पा या हुक्का, ठीक है। संगम वंश ने विजयनगर की स्थापना की थी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स ऐसा जनरल था जिस पर महाभियोग भी चलाया गया था। कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो वो गरबा जो है वो है गुजरात का नृत्य। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो वो मगध राज्य है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई का नाम एशियाई देश का नाम क्या है? तो वो है भारत। अब कुछ क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रवर्तक कौन था? तो वो था श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच इनकी गद्दी पर बैठा हुआ था। गुप्त राजवंश के किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो था वो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन पे आप ध्यान मत दीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।